भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे जॉब्स के बारे में जो कि सभी जॉब आपके वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है। इनमें से कुछ जॉब 12th पास के लिए है और कुछ जॉब ग्रेजुएट्स के लिए है, और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप इन सभी जॉब को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो जो मैं आपको जॉब्स बताने वाला हूँ वो 3 कंपनी की जॉब है। पहली कंपनी है अमेजन, सेकंड कंपनी है अपलर्स और थर्ड कंपनी है एप्पल। यही तीनों कंपनी के जॉब्स के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको जानना है किस तरह के सभी जॉब्स है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और कितनी सैलरी रहेगी, अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर जानना है तो वीडियो का पूरा देखिएगा, चेष्टा करते हैं। गाइस सबसे पहली जॉब है आपको अमेजन कंपनी की जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। देखो यहाँ पे नीचे दिया है अमेजन सर्विस, यानी कि ये जॉब अमेजन की है, और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे नीचे दिया भी है 0 to 2 years, ठीक है, और यहाँ पे सैलरी दिया 90,000 से लेकर 2 lakh पर एनम, ठीक है। नीचे यहाँ पे लोकेशन शो कर रहा है बट इससे मतलब नहीं है, आपको ये जॉब वर्क फ्रॉम होम करना है। अब देखो यहाँ पे नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है क्या क्या आपको वर्क करना होगा, क्या क्या रोल है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ब्लेंडेड प्रोसेस फ्रेशर, डेट शिफ्ट सीसी, प्रोफाइल सीसी, वॉइस एंड चैट एंड ईमेल, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे चैटिंग वर्क करने के साथ साथ, डाटा एंट्री वर्क करने के साथ साथ, आपको यहाँ पे कॉलिंग पे भी वर्क करना पड़ सकता है, ठीक है। और जहाँ भी कॉलिंग का वर्क होता है वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायरमेंट होता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हिंदी प्रॉपर बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी हिंदी में, ठीक है। यहाँ देखो नीचे सैलरी दोबारा दिया है 10,000 से लेकर 25,000 पर मंथ का यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। डे शिफ्ट यहाँ पे दिया और 6 डेज वर्किंग आपका होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अप्लाई करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। नीचे आप देखो दिया भी है एजुकेशन में ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी इस जॉब में ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप 12th पास भी हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपली डाटा एंट्री वर्क करना है या फिर जो बैंक ऑफिस सिक्योरिटी पर वर्क होता है वो आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे वही वर्क है, तो ये आपका पहला जॉब था जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब था, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हो, 12th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जॉब के बारे में जो कि आपका है अपलर्स कंपनी की। अब देखो जो आपका अपलर्स कंपनी की जॉब है, यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कंपनी के द्वारा लैपटॉप मिलता है वर्क करने के लिए, ठीक है। ऐसी आपका जो अमेजन की जॉब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, यहाँ भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए लैपटॉप मिलेगा कंपनी के द्वारा। तो अपलर्स कंपनी की पहली जॉब प्रोफाइल है एडमिनिस्ट्रेशन एक्जीक्यूटिव का, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली वर्क क्या करना है, नीचे यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन में, रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट ईमेल, रिसर्च, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व कस्टमर क्वेरी एंड कंप्लेन। यानी आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का वर्क करना है, जो भी क्वेरी होती है, जो भी कंप्लेन होते हैं उसको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा, रिजॉल्व करना होगा क्वेरी को, या फिर जो क्लाइंट्स के ईमेल आते हैं उसको आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। मतलब इस तरह के कस्टमर सपोर्ट का ही जॉब है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रॉपर यहाँ दिया है क्या क्या आपको वर्क करना होगा, तो अगर आपको पढ़ना होता है आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिया स्किल रिक्वायरमेंट में स्ट्रॉन्ग इंग्लिश रिटेन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपकी रिटेन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल दोनों अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल, ग्रिट, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पर नीचे दिया है एक्सपीरियंस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इंटरमीडिएट टू एडवांस एक्सेल, यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना आना चाहिए, जो उसमें एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, उसको आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। खास तौर पे अगर आपको और भी कुछ नहीं आता यूज करना तो आपको एमएस एक्सेल आना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। ये सब यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको और देखना हो तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो ये वाला पेज ओपन होता है। यहाँ पे क्या करना है आपको अपना रिज्यूम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको अपना रिज्यूम ऐड करना है, फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और जो भी फोन नंबर होता है उसको आपको प्रॉपर यहाँ फिल कर देना है, फिर यहाँ पे अपना एडिशनल फाइल वगैरह डालना होता है आप डाल सकते हो, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया ऑप्शनल, यानी इसको स्किप किया जा सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप क्लिक करोगे, फिर एक और पेज ओपन होता है, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा वहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। जो जो आपके पास है उसको फिल कर लोगे आप, फिर उसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद 24 से 48 आवर्स के अंदर अगर आपको रिवॉर्ड मिलना होगा तो मिल जाएगा, अगर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हो गया तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड जॉब के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, क्वालिफिकेशन की बात रहती है, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फ्रेशर हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड जॉब। अब बात करते हैं थर्ड जॉब के बारे में जो कि आपका है लीड जनरेशन एग्जीक्यूटिव का। ये आपका नून शिफ्ट का जॉब है, यानी आपको दोपहर में वर्क करना है, ठीक है। यहाँ देखो नीचे दिया है रीच आउट न्यू प्रोस्पेक्ट थ्रू ईमेल एंड लिंक्डइन, हैव गुड एक्सपीरियंस इन द लीड जनरेशन, नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। अब देखो इस जॉब में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बिजनेस लाना है कंपनी के लिए, यानी कि लीड जनरेट करना होगा। अब देखो लीड जनरेशन करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया भी है नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, देखो यहाँ पे नीचे दिया है इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस टू इंक्रीज द न्यू सेल्स, आल्सो वुड बी ग्रेट इफ कैन मेक देयर ऑन स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको एक खुद का स्ट्रेटेजी क्रिएट करना है, तैयार करना है, ताकि आप कंपनी के लिए सेल्स जनरेट कर पाओ, ठीक है। और सेल्स कैसे आप ला पाओगे, जब आप यहाँ पे कंपनी के लिए लीड जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, सोशल मीडिया के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और इस वर्क में यहाँ पे देखो बोला है गुड विथ कम्युनिकेशन रिटन अनवर्बल, यानी कि आप रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल दोनों अच्छी होनी चाहिए। ये सब यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया और यहाँ पे जो जो वर्क करना होगा वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो सिंपली
मेरी कहने सेंस ये है कि यहाँ पे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता होगा तभी आप इसको अप्लाई करना, अगर आपको लीड जनरेशन करना आता होगा सोशल मीडिया के थ्रू या फिर गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई करना, ठीक है। ये चीज़ है, तो सबके लिए जॉब नहीं है, जिनके पास स्किल है डिजिटल मार्केटिंग वही लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, फिर सेम वैसे ही पेज ओपन होता है जैसे पहले वाले जॉब में मैंने ओपन कर दिखाया था, सेम वैसे अप्लाई करना है, ठीक है। देखो इस जॉब की क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी क्वालिफिकेशन वही है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है तो इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉलेज होना चाहिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का, तभी आप अप्लाई करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ये हो गया आपका थर्ड जॉब के बारे में। अब बात करते हैं फोर्थ जॉब के बारे में, जो कि आपका है सेम इसी कंपनी का और सेम यही जॉब है लीड जनरेशन एग्जीक्यूटिव का, लेकिन ये नाइट शिफ्ट में, और जो भी यहाँ पे वर्क दिया है, जो भी यहाँ पे वर्क प्रोसेस है सेम ऐसी है जैसे आपका थर्ड जॉब में था, ठीक है। देखो सब कुछ वैसे ही दिया है जो कि थर्ड जॉब में था, ठीक है। तो अगर आपको नाइट शिफ्ट में वर्क करना है तो आप इसको अप्लाई करना, अगर आपको दोपहर में वर्क करना है, नून टाइम में करना है तो आप इसको अप्लाई करना, ठीक है। बाकी सैलरी दोनों में सेम रहेगी। अब देखो इन तीनों जॉब में जो सैलरी होगी वो 35,000 के आसपास होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में, जो कि आपका है IN स्पेशलिस्ट का। अब देखो इस जॉब में आपको वर्क करना है एप्पल के रिटेल डिपार्टमेंट में, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है इंडिया एप्पल रिटेल। अब देखो यहाँ पे नीचे जॉब समरी दिया और यहाँ पे दिया है कब ये जॉब पोस्ट हुआ, यानी कल का जॉब ये पोस्ट हुआ है, ठीक है। नीचे आप दिया क्वालिफिकेशन के बारे में, एबिलिटी टू डिलीवर ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस इन ए वेरी एक्टिव एनवायरमेंट एंड टू बी इनवेगोरेटेड बाई कॉन्स्टेंट पर्सनल इंटरेक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, कस्टमर सपोर्ट का वर्क करना है, ठीक है। जो भी क्वेरी होती है कस्टमर को उसको सॉल्व करना है, जो भी वो इंक्वायरी करते हैं किसी भी एप्पल प्रोडक्ट के बारे में तो उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द टेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली एप्पल प्रोडक्ट एंड एन एजिलिटी एट द लर्निंग न्यू प्रोडक्ट एंड फीचर। अब देखो यहाँ पे बोला है ना कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए टेक्नोलॉजी में अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हो, तो खास तौर पे एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए और आपके अंदर न्यू प्रोडक्ट की लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन में दिया है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया है। फिर यहाँ पे देखो नीचे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल डेट लेट यू कंजर्व एज फ्रीली एंड कम्फर्टेबल विद द स्मॉल ग्रुप एज विद इंडिविजुअल कस्टमर। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपली एक तरह का चैट सपोर्ट या फिर कस्टमर सपोर्ट कवर करना है तो आपकी कम्युनिकेशन काफी मैटर करता है। अब देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन में बुरा नहीं है कि इंग्लिश आना चाहिए या फिर हिंदी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा भी बहुत इंग्लिश आता है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कवर करना होगा, तो अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर जानना है, इस जॉब के बारे में क्या क्या वर्क करना है, तो यहाँ पे आप पढ़ लेना इसको। नीचे आप दिया एडिशनल रिक्वायरमेंट में यू आर पैशनेट अबाउट एप्पल एंड ईगर टू शेयर डेट पैशन विद अस। अगर आप पैशनेट हो एप्पल में वर्क करने के लिए तो ही आप इसको अप्लाई करना। फिर यहाँ पे नीचे दिया यू आर विलिंग टू लर्न एंड एम्ब्रेस एप्पल यूनिक स्टाइल ऑफ सर्विस, यू हैव स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल, यू आर अप्रोचेबल, ए गुड लिसनर एंड इम्पैक्ट। देखो यहाँ पे ये सब रिक्वायरमेंट दिया है कि आपके अंदर पीपल स्किल होनी चाहिए, एक अप्रोचेबल स्किल होनी चाहिए और गुड लिसनिंग स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे नीचे दिया यू आर फ्लुएंट इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो, अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको अपने लोकल लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिया सबमिट सीवी का ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे सबसे पहले आपको एप्पल की आईडी क्रिएट करना होगा। यहाँ पे देखो एप्पल आईडी क्रिएट करने के बोला है, यहाँ पे क्रिएट योर ऑन नाउ पे क्लिक करोगे आप, एप्पल आईडी यहाँ से आप क्रिएट करोगे तब जाके अपना रिज्यूम को आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पेज ओपन होगा, फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ से कंट्री, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपको आईडी यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना, और यहाँ से पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्म कर देना है, ठीक है, एप्पल आईडी क्रिएट करने के लिए। और फिर यहाँ पे नंबर अपना, ठीक है ना, ये इंटर कर लेना है। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, इसको यहाँ फिल करोगे और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है, तो आपका एप्पल आईडी क्रिएट हो जाएगा। जैसे ईमेल आईडी होता है वैसे ही एप्पल आईडी होता है, तो उसी तरह आपको यहाँ से क्रिएट कराना है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे अपना रिज्यूम को सबमिट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इस जॉब को, ठीक है। अब देखो इस जॉब में सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी आपकी 9 लाख पर एनम तक होगी। अब देखो ये जॉब सभी लोकेशन के लिए नहीं है ना, ये जॉब केवल कुछ स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो लोकेशन यहाँ पे दिया है, इसमें क्लिक करूंगा, दिल्ली और महाराष्ट्र, ये दो लोकेशन के लिए जॉब है। अगर आप दिल्ली से या फिर महाराष्ट्र से हो तभी आप इसको अप्लाई करना। अब देखो फिलहाल में अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है, हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस भी जाकर वर्क करना पड़ सकता है। ये हो गया आपका फिफ्थ जॉब के बारे में। अब बात करते हैं सिक्स जॉब के बारे में, जो कि आपका इसी कंपनी का एप्पल का ही है और जॉब प्रोफाइल है आपका टेक्निकल स्पेशलिस्ट का। इस जॉब में क्या है कि आपके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस वाले जॉब में ऐसा नहीं था, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस वाले जॉब में टेक्निकल स्किल है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है देखो नीचे सब कुछ वैसे ही है। देखो यहाँ पे नीचे दिया क्वालिफिकेशन में एबिलिटी टू एसेस कस्टमर सपोर्ट नीड्स व्हेन दे आर अराइव देन प्रोवाइड सॉल्यूशन और रेफर देम
टू अदर टीम मेंबर। तो इस जॉब में भी आपको कस्टमर सपोर्ट के वर्क करना है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेम वैसे स्टेप है पहले जॉब की तरह। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके सबमिट सीवी पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, और यहाँ से अपना सीवी को सबमिट करोगे। अब देखो इस जॉब में लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो किस लोकेशन में जॉब है। ठीक है, तो यहाँ देखो दिया है दिल्ली महाराष्ट्र, ये जॉब भी आपका दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, अगर आप इस लोकेशन से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इन दोनों जॉब की क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इन दोनों जॉब में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी जॉब में तो एप्पल कंपनी के द्वारा आपको आईपैड और मैकबुक मिलता है, उसके साथ ही आपको कई सारे एप्पल के प्रोडक्ट मिलते हैं ताकि आप एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में जान सको, जिससे आप कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व कर सको। ठीक है, ये सभी रिक्वायरमेंट है इन सभी जॉब में। तो अगर आपको जो भी जॉब अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको इन सभी जॉब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही सभी जॉब्स के बारे में मुझे आपको बताना था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के तरीके और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।